इसी से आपको ये जी रवि रवि वहां पर क्या क्या हो रहा है वहां पर ये देखिए किशोर, यहां पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये यूथ पोलिंग बूथ है और एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से उसका बाकायदा उद्घाटन किया जा रहा है कि जब वोटर यहां पर पहुंचे 7 बजे तो उससे पहले बाकायदा जो छोटी बच्चियां हैं ये देखिए यहां पर किस तरीके से फीता भी काटा गया है। तो एक जो रस्मो रिवाज है कि कोई भी काम शुभ काम करने से पहले उसका उद्घाटन किया जाए वो उद्घाटन किया गया है। सर मतलब थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये देश के लिए कि हर व्यक्ति अपना मत दे और हिस्सेदारी निभाए अपने देश के प्रति जो उसकी कर्तव्य है उसके बारे में। सो आई एम वेरी हैप्पी। ये तस्वीरें इंटरेस्टिंग थी, दिखाना जरूरी थे, आप जरा रिफर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं, आज पहली बार लोकसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के जितेंद्र। देखिए बिल्कुल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 9.5 साल तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और आप देखिए पोलिंग बूथ जो है प्रेमनगर करनाल में वहां पर वो पहुंच गए, यानी कि समय से पहले ही। अभी वोटिंग समय में 5 से 7 मिनट का समय बाकी है लेकिन उससे पहले ही खट्टर पहुंच गए। खट्टर के बारे में कहा भी जाता है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, 4-4:30 बजे वो उठ जाते हैं और उसके बाद अपने जो दैनिक काम होते हैं उन्हें निपटाकर बाकी के अपनी जो रोज की दिनचर्या होती है उसमें लग जाते हैं। और आज जब वोटिंग समय अभी 5 मिनट करीबन बाकी है उससे पहले ही वो पोलिंग बूथ पहुंच गए और उनका कहना कि सबसे पहले वो वोट डालकर बाकी के अपने पूरे लोकसभा चुनाव में वो जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें और दिन चढ़ने से पहले ही, क्योंकि गर्मी काफी है और ऐसे में सूरज चढ़ने से पहले ही वोट डाल दिया जाए, ये उनकी कोशिश है। तो इसी वजह से पहले ही आप ये तस्वीरें देखिए, अपने पोलिंग बूथ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच गए, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि करनाल बेहद वैसे भी बीजेपी के लिए काफी सुरक्षित सीट मानी जाती है और पिछली बार की बात करें तो सबसे ज्यादा देश में अगर दूसरी सबसे बड़ी जीत थी तो करनाल की बताई जाती है। और ऐसे में करना जो अब खट्टर हैं वो अंदर जाकर वोटिंग प्रोसेस शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ठीक सुबह 7 बजे होते ही सबसे पहला वोट वो करनाल लोकसभा में अपना डालेंगे और इसीलिए वो पहले ही यहाँ पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी, उनका जो वोटिंग प्रक्रिया है उसके लिए मीडिया कर्मी भी उनका वो प्रोसेस कवर करने के लिए लगातार जद्दोजहद आप कह सकते हैं यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि खट्टर अंदर जा चुके हैं और 7 बजे जैसे ही वोटिंग का टाइम शुरू होगा वो सबसे पहला वोट अपना यहाँ पर कास्ट करेंगे। जी यतेंद्र, उधर हरदीप पुरी भी वोट देने पहुंचे हैं और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो 330-335 होती है, 15% बढ़ती है 345, हमारे 37 अलाइज हैं, तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 या 400 आराम से पार करेंगे। कांग्रेस लीडर शशि थरूर का कहना है कि 300 भी बीजेपी नहीं पहुंच पाएगी। शशि थरूर के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो मेरे स्टूडेंट थे। सवेरे आशीर्वाद लेने आई हूँ झंडे वाली माता का और बस इसके बाद जाके अपने पिता के साथ जाकर मतदान करने वाली हूँ। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है।